नमस्कार श्रोताओं, मैं विक्की तिवारी गिरीश बिल्लौरे पॉडकास्ट चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट के कंटेंट में जानकारी का संकलन किया गया है चैनल के प्रबंधक एवं स्वामी गिरीश बिल्लौरे मुकुल ने। हमारा ये चैनल रेड क्रॉस सोसाइटी को समर्थन देता है। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने क्षेत्र की रेड क्रॉस सोसाइटी को भरपूर समर्थन दीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने पॉडकास्ट की ओर। 42 साल पहले हर घर में गुंजा या चंदन अवश्य मिल जाया करते थे। जी हाँ, ये सही है कि भारतीय जनमानस पर फिल्मों का गहरा प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। सन 1982 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक फिल्म रिलीज हुई थी। आपने सही सोचा, हम नदिया के पार फिल्म की ही बात कर रहे हैं। नव दंपति ही नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग नवजात शिशुओं के लिए गुंजा चंदन नाम रिकमेंड करने लगे थे। 42 साल पुरानी ये फिल्म प्रेम, सादगी और ग्रामीण परिवेश के सहयोगी वातावरण का सजीव चित्रण करती है। कहते हैं कम बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई के साथ ही दर्शकों के दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी। 70 से 80 का दशक ऐसी ही फिल्मों का दौर था, जब फिल्में पारिवारिक प्रेम, रोमांस, हास्य, मनोरंजन से भरपूर हुआ करती थी। इसी के साथ प्रभावी नैतिक और सामाजिक मूल्य पर प्रभावी सुधारात्मक संदेश जरूर दिया करती थी। स्वर्गीय तारा चंद्र बड़जात्या ने भी निर्माता के रूप में अपनी सामाजिक भूमिका को भली भांति पहचाना। उन्होंने फिल्म नदिया के पार में प्राचीन ग्रामीण भोजपुरी संस्कृति को रेखांकित किया था। सोशल मीडिया के दौर में भोजपुरी का स्वरूप वल्गैरिटी से परिपूर्ण है। इस फिल्म को देखकर तीसरी कसम, मदर इंडिया, अनोखी रात, गोपी जैसी फिल्मों की याद ताजा हो गई। फिल्म के सभी 6 गीत फिल्म की सिचुएशन पर सटीक रूप से फिल्माए गए हैं। विवाह के दृश्य के साथ फिल्माए गए जब तक पूरे ना हो फेरे 7 गीत सामाजिक वैवाहिक रिचुअल्स को प्रदर्शित करता है। सांची कहूं तुरे आवन से भौजी गाकर सचिन ने पारिवारिक खुशहाली को प्रदर्शित किया। गांव में होली के माहौल को और भी रंगीन कर देने वाला जोगी जी वाह जैसा गीत आज भी मस्ती के साथ गाया और बजाया जाता है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया गुंजा रे जैसे गीत रोमांटिक सिचुएशन पर लिखे गए गीतों में अनुशासन काबिले तारीफ रहा है। भोजपुरी भाषा में बनी इस फिल्म का रीमेक तेलुगु में प्रेम लयम नाम से बनाया गया था। इस फिल्म के संगीतकार एवं गीतकार रविंद्र जैन राजश्री प्रोडक्शंस टीम के अभिन्न सदस्य थे। स्वर्गीय तारा चंद्र बड़जात्या जी उन्हें बेहद पसंद करते थे। फिल्म देखते हुए मुझे अपने पूर्वजों के गांव सिराली का 55 साल पुराना मंजर याद आ गया, जहां हमने अंधाधुंध विकास या आधुनिकता के बिना ग्रामीण जनजीवन को मौलिक रूप में देखा था। साधारण ग्रामीण परिवेश में बनाई गई नदिया के पार फिल्म नदी, नाव, खेत, खलियान, गांव, बैलगाड़ी, कच्चे घरों पर फिल्माई गई थी, परंतु फिल्म की कहानी वास्तव में असाधारण कहानी थी। यह फिल्म कोहबर की शर्त उपन्यास पर आधारित है। उपन्यास 1965 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक थे स्वर्गीय केशव प्रसाद मिश्र। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था श्री वीरेंद्र राणा ने। सन 1982 में इस गुमनाम सी पुस्तक के सारे अधिकार राजश्री प्रोडक्शंस ने खरीद लिए। और इस कहानी पर हम आपके है कौन फिल्म बनाई। फिल्म की कहानी को ग्रामीण से शहरी पृष्ठभूमि पर लिखकर फिल्म बनाई गई थी। दोनों ही फिल्में बेहद प्रभावशाली और दर्शकों को कनेक्ट करती थीं। इस फिल्म ने समकालीन दर्शकों को ना केवल लुभाया, बल्कि वो अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को इस फिल्म के सहारे कनेक्ट भी कर रहे थे। इस फिल्म में मशहूर कलाकार सचिन पिलगांवकर और एक नवोदित अभिनेत्री साधना सिंह की जोड़ी ने सबके मन को मोह लिया था। सचिन के बड़े भाई के रूप में श्री इंद्र ठाकुर ने अभिनय किया था, जो 1985 के कनिष्क विमान दुर्घटना में दिवंगत हो गए थे। मिताली, शीला शर्मा, लीला मिश्रा जी आदि ने अभिनय किया था। आइए जानते हैं कि किसने कौन सा चरित्र निभाया था। सचिन ने जहां चंदन का चरित्र निभाया, वहीं साधना सिंह ने गुंजा का, मिताली ने रूपा और लीला मिश्रा जी ने काकी का, इंद्र ठाकुर ने ओमकार का,
और राम मोहन ने किसान का, जो कि ओमकार और चंदन के चाचा थे। शीला डेविड ने चंदन की बचपन की दोस्त का किरदार निभाया। चौबेपुर जो वास्तव में विजयपुर था और बलिहार जो वास्तव में सोनपुर था में अब काफी बदलाव आ चुके हैं, परंतु वहां के लोगों के मस्तिष्क में फिल्म निर्माण से जुड़ी यादें आज तक जिंदा हैं। यूट्यूब पर यह पूरी फिल्म उपलब्ध है, अगर समय हो तो पुरानी यादों में आप खो सकते तथा 40 से 50 साल पुराने ग्रामीण भारत का नजारा कर सकते हैं। नदिया के पार फिल्म की प्रसिद्ध ओरल पब्लिसिटी के बाद हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश के महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, अविभाजित छत्तीसगढ़ में बसने वाली आम जनता तक जा पहुंची। मुझे अच्छी तरह याद है कि जबलपुर जिले एवं संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र से शहरी एवं ग्रामीण परिवार के परिवार सामूहिक रूप से पूरी प्लानिंग के साथ अपने नजदीकी शहरों जैसे जबलपुर, कटनी इत्यादि में बैलगाड़ी अथवा बसों में भर भर के नदिया के पार देखने आया करते थे। ये फिल्म कई महानगरों के सिनेमा हॉल्स में 4 से 5 साल तक चलती रही। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नदिया के पार फिल्म की निर्माण लागत मात्र 18 लाख रुपए थी। आपको फिल्म नदिया के पार के बारे में जानकारी कैसी लगी कृपया जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे।